नमस्कार, मैं रंजीत चौहान, आप देख रहे हैं ओनली न्यूज नेशन। पाकिस्तान में अलग बलूचिस्तान में बड़ा हंगामा हो रहा है। बलूचिस्तान में पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ा सरदर्द बन गए हैं वहां के निवासी, जिन्होंने पाकिस्तान के सैनिकों को, चीन की कंपनियों को और चीन के लोगों को किडनैप कर चीनी कंपनियों को आग लगा दिया। पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा खतरा इस समय मंडरा रहा है। चीन के सीपेक परियोजना पर बहुत बड़ा खतरा मंडरा रहा है और साथ साथ भारत के लिए ये अच्छी खबर है कि भारत आने वाले समय में पीओके पर तिरंगा लहराएगा और भारत का आधा काम पीओके के लोग ही कर रहे हैं। भारत का आधा काम वहाँ के निवासी कर रहे हैं। सिर्फ भारत की सेना को पहुंचकर सिर्फ वहाँ पर तिरंगा गाड़ना है, बाकी तो चीनी कंपनियों को खाड़ने का काम, चीनी लोगों को भगाने का काम, चीनी लोगों को मारने का काम वहाँ के निवासी कर रहे हैं। दरअसल ये खबर बलूचिस्तान से है, जहाँ पर पाक में अलग बलूचिस्तान देश की मांग जोर पकड़ रही है। आज़ादी के लिए सक्रिय बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने दावा किया है कि उसने चीन की दूरसंचार कंपनी को आग के हवाले कर दिया है, साथ ही उसमें काम करने वाले 6 मजदूरों का अपहरण भी कर लिया है। इन मजदूरों की रिहाई संयुक्त राष्ट्र या रेड क्रॉस की गारंटी पर ही करने का ऐलान किया है। इन मजदूरों का अपहरण मारगोट चौखाबी बाग क्षेत्र से किया गया। पाकिस्तान के बलूचिस्तान में आज़ाद बलूच आंदोलन ज्ञात हो कि पाकिस्तान के बलूचिस्तान में आज़ाद बलूच आंदोलन चल रहा है। इनकी मांग है कि बलूचिस्तान अलग देश बनाया जाए। बलूचिस्तान में चीन ने दूरसंचार कंपनियों का जाल बिछाना शुरू कर दिया है। पाकिस्तान इसके सहयोग में बलूचों की जासूसी भी कर रहा है। इसके साथ ही ग्वादर बंदरगाह पर चीन का पूरी तरह से अधिकार होने से भी बलूचों में आक्रोश है। इधर बलूचिस्तान मानवाधिकार परिषद और वॉइस ऑफ बलूच मिसिंग पर्सन के चेयरमैन नसरुल्लाह बलूच ने एक अलग बयान में अगवा मजदूरों को मानवीय आधार पर छोड़ने की मांग की है। 1947 से पहले तक आज़ाद था बलूचिस्तान। आपको बता दें कि पाकिस्तान सरकार के खिलाफ बलूचिस्तान के लोगों का गुस्सा लगातार सातवें आसमान पर है। बलूच नेशनल पार्टी के अध्यक्ष अख्तर मिंगल का यह बात कई बार कह चुके हैं कि बलूचिस्तान 1947 से पहले तक आज़ाद था। इस पर पाकिस्तान ने अवैध कब्जा जमाया हुआ है और बलूच लोग लगातार अपनी आज़ादी के लिए जहदोजहद भी कर रहे हैं। बलूचों के खात्मे के लिए पाकिस्तान की सरकार ने कई बार सेना के जरिए कई ऑपरेशन चलाए, जिनमें सैकड़ों बेगुनाहों का खून बहाया गया, सैकड़ों को जेलों में ठूंस दिया गया, जिनका आज तक कुछ भी पता नहीं चल सका। बता दें कि बलूचिस्तान में इस समय हंगामा जोरों पर है। बलूचिस्तान में पाकिस्तान के लिए आज़ादी मांगी जा रही है, पाकिस्तान से आज़ादी मांगी जा रही है। पाकिस्तान बलूचिस्तान में ज़बरदस्ती वहां पर अपने सैन्य कार्रवाई को अंजाम देता है और वहां के बेगुनाह लोगों को मारता है, उनको जेलों में बंद करता है, उनको प्रताड़ित करता है। आपको बता दें, सबसे खास बात यह है कि बलूचिस्तान में कुछ ही दिनों बाद पाकिस्तान का अधिकार ख़त्म हो जाएगा और वहाँ पर अधिकार होगा चीन का, क्योंकि चीन ने अपने वहाँ कई प्रोजेक्ट डाल दिए हैं। चीन की कंपनियाँ वहाँ पर लगातार सक्रिय हो रही हैं, चीन के सैनिक भी वहाँ पर जमा हो रहे हैं, चीन के सैनिक अड्डे बनाए जा रहे हैं। और जब पाकिस्तान का पूरी तरीके से वर्चस्व वहाँ ख़त्म हो जाएगा तो चीन उसे अपनी जद में ले लेगा और सबको पता है कि चीन में मुसलमानों के साथ क्या बर्ताव किया जाता है। जैसे चीन में मुसलमानों को न जीने की आज़ादी है और न सुख से मरने की आज़ादी है, क्योंकि चीन में पाकिस्तान या जितने भी मुसलमान हैं, चाहे पाकिस्तानी मुसलमान हो या चाहे जितने भी मुसलमान हो, उन सभी मुसलमानों के साथ बहुत बुरा बर्ताव किया जाता है। ना उनको खुले सड़क पर नमाज पढ़ने की आज़ादी मिलती है, ना उन्हें दाढ़ी बढ़ाने की आज़ादी मिलती है, ना उन्हें उनकी महिलाओं को बुर्का पहनने की आज़ादी मिलती है, और तो और वो चाहकर बच्चे भी पैदा नहीं कर सकते। उनको बच्चा पैदा करने के लिए चीन सरकार से इजाज़त लेनी पड़ती है। अब चीन अगर मुसलमानों पर इस तरीके से प्रताड़ना करता है तो ये बलूचिस्तानियों के लिए तो हैरान करने वाली बात है कि अगर चीन का अधिकार वहाँ भी हो गया तो बलूचिस्तान के लोगों का जीना दुभर हो जाएगा।
इसलिए वो पाकिस्तान से भी आज़ादी मांगते हैं और चीन से भी आज़ादी मांगते हैं। पाकिस्तान से आज़ादी इसलिए मांगते हैं क्योंकि पाकिस्तान से आज़ाद नहीं होंगे तो एक नए दिन पाकिस्तान इन बलूचिस्तानियों को चीन के हवाले कर देगा और फिर चीन जैसे मुसलमानों के साथ पेश आता है ये दुनिया जानती है, फिर वही हाल बलूचिस्तानियों का होगा। इधर भारत की सेनाएं और भारत की सरकार लगातार पीओके के लिए सक्रिय हैं। जब से संसद में आवाज़ उठाई गई है, जब से संसद में अमित शाह ने डंके की चोट पर कहा है कि पीओके हमारा है और पीओके पर हम कब्जा कर रहेंगे, तब से पाकिस्तान हैरान है और बलूचिस्तानियों में कहीं ना कहीं खुशी है। पीओके के लोगों में कम से कम ये खुशी इस बात की है कि एक ऐसे देश के पास हम जाएंगे जिस देश में जीने का तो हक है, अपनी संस्कृति सभ्यता को बचाने का हक तो है, कहीं उस देश में शोषण तो नहीं होता है। इसलिए कभी कभी पीओके में भी पाकिस्तान के खिलाफ आज़ादी के नारे लगते हैं। पीओके आज भी चाहता है कि उसे भारत में मिला लिया जाए, लेकिन पाकिस्तान की सेना अपने क्रूर रवैये की वजह से पीओके के लोगों की आवाज़ को दबा देती है ताकि उनकी आवाज़ पाकिस्तान के बाहर ना जाए, ताकि उनकी आवाज़ यूएन में ना जाए, ताकि पाकिस्तानियों के जुल्मों की दास्तां दुनिया के किसी कोने में ना जाए। क्योंकि इस प्रकार से पीओके के लोगों की आज़ादी को पाकिस्तान की आर्मी अपने जूतों के नीचे से कुचल कर मार देती है। आपको बता दें इस समय कश्मीर को लेकर पाकिस्तान बहुत हैरान है। पहले धारा 370 को लेकर वो परेशान था, फिर जब से कश्मीर के नेताओं की बैठक हुई है, उन बैठकों में कश्मीर के बड़े दिग्गज नेता भी शामिल हुए, जिसमें 4 पूर्व मुख्यमंत्री शामिल हुए, उसके बाद अलगाववादी नेता भी शामिल हुए। जब से ये नेता सब शामिल हुए हैं तब से पाकिस्तान हैरान है, क्योंकि पाकिस्तान की चाल, पाकिस्तान के नापाक हरकतें, पाकिस्तान की साजिशें इन्हीं नेताओं के दम पर पूरी होती थी। और आज यही नेता मोदी के सामने बैठकर कश्मीर की भलाई के लिए, कश्मीर के विकास के लिए, कश्मीर की उन्नति के लिए अपनी हामी भरकर आए हैं। और जब उन्होंने दिल्ली में मोदी के सामने हामी भर दी है तो अब किसी की दाल गलने वाली नहीं है। अगर अब ये नेता भी मुकरते हैं, जो नेता दिल्ली में शामिल हुए थे, बैठक में शामिल हुए थे, तब इन पर भी गाज गिरेगी, और इससे पहले गाज गिर चुकी है और ये बात कश्मीरी नेता जान चुके हैं। तो आज कश्मीर की आज़ादी भी की मांग करने वाला कोई नहीं है। पहले कश्मीर आज़ाद की मांग उठती थी, कश्मीर के लोग ही कश्मीर की आज़ादी की मांग उठाते थे, रैलियाँ निकालते थे, धरने देते थे, पत्थरबाजी करते थे, लेकिन अब कश्मीर आज़ाद की मांग कोई नहीं उठाता, क्योंकि कश्मीर बहुत पहले आज़ाद था और आज भी आज़ाद है। भारत 1947 में आज़ाद हुआ था, उसके बाद भारत के साथ साथ कश्मीर भी आज़ाद हो गया था, लेकिन इन्हीं नेताओं की वजह से, इन्हीं अलगाववादियों की वजह से कश्मीर में अब तक ऐसा होता रहा है।